हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे ट्यूटोरियल में। और आज मैं बात करूंगा आपके एक नई आइडिया के लिए, और जिसमें आपको पोस्टर क्रिएट करने का सही तरीका भी पता चलेगा और थोड़ा सा एडिशनल इन्फो भी मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो को पूरा देखें आप और आपको समझ में आएगा कि मैं क्या क्या समझाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल रखा है, और यहाँ से मैं एक PNG अपलोड डाउन डालता हूँ इसके अंदर, और इसे सेंटर अलाइन कर लूँगा। अलाइन करने के लिए इसको इसको लेयर को सिलेक्ट करें और यहाँ से और ये डाउन को क्लिक कर दें, तो आपका लोअर अलाइन हो जाएगा। ये मिडल अलाइन या अपर अलाइन होता है, ठीक है। फिर इसे रीनेम कर लीजिएगा मॉडल के नाम से अगर आप करना चाहते हैं, और फिर इसी के डुप्लीकेट बना के फिल्टर अदर हाई पास, ठीक है, 8 पे क्लिक करना है, और इसको ओवरले ब्लेंडिंग मोड में चेंज करना है। सो यहाँ तक का आपका बहुत सिंपल प्रोसेस है। और फिर इसके बाद से यहाँ से जो भी एक कोई टेक्स्ट लेने का है आपने, और जस्ट उसे हल्का सा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, बंदूक ग्रुप, ठीक है। वैसे मैंने डाला नहीं है, मतलब ही, ठीक है, यहाँ पे बस जस्ट लिख दिया। और फिर उसके बाद थोड़ा सा एंटर दबाने का है, और फिर वी दबा के ऐसे स्लाइड करने का है, तो ये आपके झुके हुए से टेक्स्ट जो होते हैं ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। और फिर थोड़ा सा इसे बड़ा कर दूंगा मैं कि देखे विजिबिलिटी हो जाए, और फिर एंटर। अब इसको दो कॉपी बनाऊंगा, एक कॉपी को मैं मॉडल के नीचे रखूंगा इसे, और एक कॉपी का जस्ट मैं इसके ऊपर ओवरले कर दूंगा, और उस कॉपी का मैं कलर चेंज कर दूंगा वाइट, ठीक है। और अभी ये आपका ये वाला टेक्स्ट वाइट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपने नीचे वाली क्लिप को अभी इसके साथ वो नहीं करा है, क्लिपिंग। सो जैसे आप यहाँ क्लिप करेंगे आपका ये भी वाइट हो जाएगा टेक्स्ट, जैसे इसको वाइट पे लाना और ये डन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, थोड़ा बस ट्रिकी पार्ट था इसका जिसमें बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये थोड़ा इजीली बताया मैंने। और यहाँ से ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट करना है, कर्व सेलेक्ट करना है आपने, ठीक है। कर्व्स अगर आपको लगता है कि थोड़ी डार्क होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो थोड़ी मैं डार्क ही रखूँगा इमेज, ठीक है, और ब्लैक एंड वाइट जस्ट ब्लैक एंड वाइट है, वो कुछ इतना कर नहीं रहा है। और फिर उसके बाद मैं डालूंगा जो मैंने कार की इमेज नेट से डाउनलोड करी थी, ठीक है, ये है, इसको मैं इमेज के बराबर करूंगा और ब्लैक एंड वाइट को इसके ऊपर डाल दूंगा, बस वो अपने आप ही बाकी सब काम हो जाएगा। और यहाँ से लाइट एंड मोड सेलेक्ट करो, या स्क्रीन, या कोई आपको जो भी बेस्ट लगे। तो वैसे तो यहाँ लाइट एंड हमेशा बेस्ट रहता है, लेकिन मेरे को यहाँ स्क्रीन भी बेटर लग रहा है, तो मैं स्क्रीन मोड सेलेक्ट कर देता हूँ, और थोड़ा सा इधर उधर करना है फोटो को। और फिर उसके बाद मैं एक मास्क डाल देता हूँ, तो ये थोड़े से मैं इरेज कर देता हूँ, फ्लो को थोड़ा सा कम करके, थोड़ा नहीं, 8 या 7 पे लाके हल्का सा बीच बीच में कि डेप्थ से क्रिएट होए, और फिर ये ऐसे करना है, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि जो ये कार के कलर हैं येलो, ये अलग से पॉप होंगे, तो मैं यहाँ पे आऊँगा इस इमेज पे, सेलेक्ट कलर रेंज, ये अलग तरीका है बाकियों से, कई बताते नहीं है, तो जो भी आपको लगे। ये ओके कर देना, और ये आपका सिलेक्शन बन जाएगा, और इस पे आके ब्लैक यहाँ सेलेक्ट होना चाहिए आपका कलर में, एंड उसको थोड़ा विजिबल भी करना, और फिर ऑल्ट डिलीट दबा दोगे तो आपका ये पूरा कलर कटआउट आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब जो एक्सेस चेहरे पे जैसे आ गया ये, तो इसको ब्रश को ब्लैक करके फिर से आप पेंट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये मैंने डाल दिया, अब मेरे को इसके ऊपर एक लेंस फ्लेयर डालनी है,
ये भी नेट से डाउनलोड करी है मैंने, इसे भी स्क्रीन मोड में करके थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। और फिर उसके बाद थोड़े से स्पार्क टाइप से, स्पार्क नहीं डस्ट स्पेकल्स बोलेंगे, थोड़ा सा पीछे, थोड़े से यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, तो यहाँ ये हमारी फोटो बन के हुई है रेडी। और अगर आप इस पर थोड़ा सा और कुछ करना चाहें क्रिएटिव, तो आप क्रिएटिव हो सकते हैं। यहाँ से थोड़े से ये वाले स्पैक्स और स्पार्क्स ना और डाल देता हूँ, इससे थोड़ी क्रिएटिव लगती है इमेज, और कुछ नहीं होता। ये आपको दिख सकते हैं, ये थोड़े थोड़े येलो येलो कलर के आ गए होंगे। और इन्हें एक्सेस को मैं रिमूव कर दूंगा। आप देख सकते हैं फुल अच्छी फोटो बन गई है, पोस्टर रेडी। और फिर अपना जो भी लोगो आपको प्लेस करना हो आप यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ आप अपना लोगो और इसी के नीचे नेमिंग्स जो भी आपको डालनी हो यहाँ से ऐसे। तो यहाँ कितने भी नंबर नाम हो सकते हैं जो भी आपने डालना हो, जो भी आपका नाम आएगा सिंगर विंगर का नाम, वो आप यहाँ डाल सकते हैं इजिली। ये पूरा अच्छे से मेंटेन हो सकता है, फिलअप हो सकता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आप नामिंग नेमिंग कहाँ करेंगे। सो थैंक यू गाइज इस वीडियो को देखने के लिए, और इसे यहाँ से यहाँ तक बनाए इसके लिए लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।